अब पंचम ने बहुत सारे सिंगर्स के साथ भी काम किया, बहुत सारे लिरिक राइटर्स के साथ भी काम किया, लेकिन एक इनकी ये टीम जो थी, आर डी बर्मन, किशोर कुमार, आनंद बख्शी, इन्होंने कुछ बहुत एक्सेप्शनल म्यूज़िक को एक्सेप्शनल गाने दिए हैं। इनमें से दो गाने जो मुझे इस टीम के बहुत ही पसंद हैं, और इसमें देखिए आमतौर से मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, पिकासो को एक मरतबा स्टूडियो में, उसके स्टूडियो में उससे कुछ यंग स्टूडेंट्स आर्ट के मिलने आए, तो उन्होंने पेंटिंग देखी, कहीं ये लकीर ऐसी खींची, कहीं वैसी खींची है, तो उनमें से किसी ने कहा कि सर ऐसी जो आप लकीरें खींचते हैं तो हम भी खींच सकते हैं, इतना मुश्किल काम क्या है। तो उसने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ। दो पेंसिल्स लिए और कागज़ रखा और दोनों हाथ से ऐसे घुमा के उसने दो गोले भराए और उसने कहा ये प्रकार से नाप लो, ये परफेक्ट होंगे। जब इतनी परफेक्ट लाइन बना सकते हो तब लाइनें तोड़ना। तो ये जो पंचम था वो मतलब इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ आदमी था और राग रागनियां जानता था और वेस्टर्न म्यूजिक भी जानता था, लैटिन अमेरिकन म्यूजिक भी जानता था। तो ये उसकी चॉइस थी कि मैं क्या करूं, और जब जब उसने क्लासिकल को भी टच किया है उसे भी सुपरहिट किया है। उसका हर गाना जो राग पे बेस्ड है वो इंतहाई पॉपुलर सॉन्ग है। खैर ये भी वो उसकी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन मैं अभी देखिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक अच्छी ट्यून, अच्छे वर्ड्स और अच्छी रेंडरिंग का इन दो गानों में मुझे दिखाई देता है। एक तो है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब मैं किससे कहूँ, कुछ लोग हैं इधर जिनसे कह सकता हूं कि वो गाना सुना दें? आइए सुधाकर साहब, आप आइए। कहाँ थे आप? कुछ तो लोग कहेंगे।
जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब देखिए, ये जो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये मेरे बहुत फेवरेट गानों में है। अगर मुझे आप कहेंगे कि छोटी से छोटी लिस्ट बनाओ उन गानों की जो तुम्हें पसंद है, सारे फिल्मी गीत जब से बनना शुरू हुए, तो कितनी भी शॉर्ट लिस्ट हो उसमें ये गाना ज़रूर होगा। और वो गाना है ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मौका। देखिए, ये एक तरह से वर्ड हैवी सॉन्ग है, इसमें बहुत वर्ड्स हैं, लेकिन उसकी धुन ऐसी है कि उसे वर्ड को आपके ऊपर बोझ नहीं बनने देती। वरना बहुत ज़्यादा वर्ड्स हों तो सोचना लगता है आदमी, तो ट्यून में ड्राइनेस आने का ख़तरा होता है। लेकिन इसमें जो ऑर्केस्ट्राइजेशन है, जो इसकी कॉम्पोजिशन है, वो उतनी ही कमाल की है जितने वर्ड्स हैं। और किशोरदा के बारे में तो क्या कहे आदमी, मैं तो समझता हूँ ना ऐसा गला कभी किसी का हुआ था ना होगा। तो नहीं, वो भी अजीब है। आप देखिए, आराधना में कब आराधना कब थी, 60 साल हो गए, 1969, कितने साल हो गए, 50 साल। अब देखिए, राइटर को 10 साल तो मार्जिन दीजिए ना, वरना अकाउंटेंट नहीं होता मैं। तो 50 साल बाद आपको वो याद है जिसमें ना कोई मुर्की है, ना कोई वर्ड है, ना कोई तान है, कुछ नहीं, एक सीधी सी आवाज़ है, हे हे, आपको याद है, आपको मालूम है कहाँ की है। ये तो सिर्फ आवाज़ है, इसमें कुछ नहीं है। ये किशोर कुमार ही था। इतना हे हे किसी और सिंगर का होता तो आज तक याद तो नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल। ये सिर्फ किशोर कुमार की आवाज़। तो ये तो इतने तीन डेडली कॉम्बिनेशन हो गया था टैलेंट्स का कि जिसकी कोई हद नहीं है। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, ये क्या खूबसूरत गीत है। और मुझे याद है जब मैंने सुना था, तो खैर पंचम को तो मैंने बहुत मुबारकबाद दी ही, मुझे मिल गए बख्शी साहब, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, हमेशा बड़े की तरह मिलते थे और बड़ी मोहब्बत से मिलते। तो मैंने कहा, बख्शी साहब मुझे आपका वो पेन चाहिए जो आपकी जेब में लगा। तो कहने, क्यों? मैंने कहा, नहीं इसी से लिखा था ना आपने वो गाना, तो मुझे रखना। तो कहले, भैया लिखा तो मैंने इसी से था, लेकिन क्या है कि ये मुझे असल में आशा जी ने प्रेजेंट किया था ये पेन। तो अब किसी का प्रेजेंट मैं आपको क्या दूँ, लेकिन मैं आपको एक पेन प्रेजेंट करूँगा। तो अगले ही दिन एक बहुत एक्सपेंसिव पेन बड़े खूबसूरत डब्बे में उन्होंने मुझे भेजा। तो ये वाकई गीत ऐसा था कि इतना ही मैं इम्प्रेस उस वक्त भी हुआ था, और आज भी सुनता हूँ तो उतना ही असर होता है मुझ पर। ये गीत सुनिए, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम। भाई आप तो इतना अच्छा गाते हैं, मैं तो हैरान हो गया आप सुन के आपको। और बल्कि जब आप जा रहे थे तो मैं थोड़ा मायूस हो गया, मुझे लगा अच्छा ये दूसरा ये नहीं गाने वाले क्या। चलिए गाइए। वाह वाह।
इसमें आपके थोड़े से नंबर मैंने काट लिए इसलिए कि एक लाइन आप गलत गा गए। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, अब देखिए यहाँ इस लिस्ट में तो एक गाना कुछ और है लेकिन मैं उसे जंप करके वो बाद में सुनाऊंगा आपको चलते चलते, उससे पहले दूसरा गाना सुनाता हूँ आपको। अब वो मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि वो जब कहीं पास में भी गया है राग रागनी के, कितने गाने हैं क्यों उसमें ही
इसी फिल्म में जिस ये अमर प्रेम में ही जो लता जी का गीत था, ऐसे कितने बीती या बिताई रहना, वो भी क्लासिकल बेस था। और ये भी देखिए मेरे नैना सावन भादो, ये महबूबा का गाना था और ये लता जी ने भी गाया है, किशोरदा ने भी गाया है। और खैर लता जी के लिए तो ये सब बाएं हाथ के खेल हैं, उनके लिए तो क्लासिकल क्या है। लेकिन किशोरदा जो कि एक्चुअली ट्रेंड सिंगर नहीं थे, उन्होंने भी उसे गाया। और ये मुझे खुद उन्होंने पंचम ने बताया था कि जब ये ट्यून सुनाई तो उन्होंने कहा भैया मुझे तुम कहाँ ये गाना दे रहे हो, ये तो मन्ना दा गाएं कोई गाए, ये मैं कहाँ से गाऊँगा। तो उनका नहीं नहीं आप गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। तो कहले भैया पहले आप लता जी से गवा लीजिए। तो लता जी ने पहले गा दिया, तो फिर मुझे ज़रा वो कैसेट भिजवाओ, सुनूँ तो क्या गाया क्या। एंड फॉर 10-15 डेज ही प्रैक्टिस्ड एंड देन ही कॉल्ड के अब मैं गाना गाऊँगा। ये देखिए ये जो होता है, इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी, इतने गाने हिट, इतना नाम, उसके बाद अगर आदमी में इतना फोकस बाकी है, ये मामूली बात नहीं है कि उसके बाद भी अगर एक गाना उसके सामने आ गया है तो वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे इसी गाने से उसे ब्रेक मिलने वाला है। जो लोग बरसों तक कामयाब रहते हैं, वहाँ हम दूर से उन्हें देखते कहते हैं बड़ी किस्मत बड़ी अच्छी है इसकी। हम ये नहीं जानते कि वो लोग अपने काम को कितना सीरियसली लेते हैं और ज़रा सा भी उसमें ढील नहीं आने देते। मुझे किसी ने एक बात निकली थी, मैं कहूँ उसके बाद आपको सुनाऊँ। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम चाहते क्या है, पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम ये साबित करें अपने आप पर कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर हम अपने घर वालों पे जो हमें नालायक समझते हैं आज तक उनको दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, फिर दुनिया में हमारा नाम हो, हमको कुछ इनाम मिले, पैसा कमाएं, इज्जत कमाएं, यही तो चाहते हैं हम। बाय द टाइम यू आर वेरी गुड यू गेट ऑल ऑफ इट, आपके जो घर के लोग हैं, माँ बाप हों, पीयर्स जो भी हों, आपकी पीठ ठोक देते हैं, दोस्त भी वाह वाह करते हैं और सब ठीक हो जाता है और दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है, आप काम ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड जब तक हैं। एक्सीलेंट होने की क्या ज़रूरत है, दुनिया आपसे एक्सीलेंस नहीं मांगती है, दुनिया खुश है अगर आप वेरी गुड हैं। तो एक्सीलेंट होने की तकलीफ क्या है भाई, एक्सीलेंट होने का रीजन क्या है, सिर्फ एक, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम। दुनिया खुश है लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, वो आप खुश होंगे होंगे, मुझे मालूम है मैं इससे बेटर कर सकता हूं। जब ये ईगो होती है तब आप एक्सीलेंट होते हैं। एक्सीलेंट आप दुनिया के लिए नहीं होते, एक्सीलेंट आप अपने लिए होते। तो ये वो लोग हैं जो कि अपने काम को ऐसे दिखाते थे कि लापरवाह हैं और ठीक है समझे, लेकिन जब आ गया कोई काम, वो इनमें से हर एक, वो सिंगर हो कि म्यूजिक डायरेक्टर हो कि राइटर हो कि एक्टर हो, अमिताभ बच्चन अपना सीन आज भी ऐसे तैयार करता जैसे पहली पिक्चर है, ये सच है। जो नए हैं उतनी मेहनत करते होंगे जैसे वो करता है। तो ये जो लगन है अपने काम की कि मैं कर रहा हूँ तो बेस्ट होना ही चाहिए, ये ईगो है वो कराती है। और आप देखिए कि कैसे गाया है किशोरदा ने, और यहाँ जो लोग गा रहे हैं वो तो भाई बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही गा रहे हैं, तो सुनते हैं मुझसे। मेरे नैना सावन
है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या भूल के भी याद जरा सा, फिर भी मेरा मन पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं कहीं याद नहीं है, अब सोचूं नहीं आपको अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था कि एक नई साउंड लेके आया था पंचम, कुछ अजीब अजीब तजुर्बे किए थे, मैं तो इतना नहीं बता सकता हूँ, ये लोग जो बैठे हैं जो म्यूज़िक के ज्ञानी लोग हैं ये आपको उससे ज़्यादा बता सकेंगे, कि आपको ध्यान होगा कि कई ऐसे गाने हैं जहाँ पर नोट्स उसने बोंगो पे दिए हैं और जहाँ ताल है वहाँ गिटार है, तो ये जो आम म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ पर गिटार रखता वहाँ पर ड्रम रखता, उसने उल्टा कर दिया, ये ध्यान होगा आपको, ऐसे ऐसे काम किए, जहाँ पर वायलिन होने चाहिए वह ह्यूमन वॉइस डाल दी, एक पीछे अलाप चल रहे जहाँ वायलिन बजते हैं आमतौर से। अब ये गाना जो है ये आप देखिए, ट्यून तो उसकी बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें जो करतब है, कहाँ सेकंड्स आ रहे हैं, कहाँ ऊपर जा रही है आवाज़, कहाँ नोट चेंज हो रहा है, कहाँ स्केल चेंज हो रहा है, ये जाने जाऊँ क्या गाना है ये। अगर ये धुन भी आप किसी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर को दे देते एज इट इज़ द वर्ल्ड भी दे देते, तब भी वो इस गाने को इतना जादू नहीं भर सकता था जो उसने किस तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है और किस तरह से इसकी रेंडरिंग कराई है। आप ये देखिए, उसमें अब कमाल है सिंगर्स का भी कि उन्होंने जो म्यूज़िक डायरेक्टर चाहता था वो दिया है, उसे आसान बात नहीं थी, ख़ासतौर से आशा जी के बहुत लोअर नोट्स भी हैं ऊपर भी हैं, मगर कमाल है। और किस तरह से सेकंड्स हैं इसमें, आज देखिएगा आप, ये गाना हम सुनाना चाहते हैं आपको, अगर दो सिंगर हमें कहीं से मिल जाएँ तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। अब ढूंढते, अच्छा आइए आइए, जीते रहिए, आइए आइए जीती रहो। आज की शाम की पहली एंट्री ले रही हैं अर्चना गोरे जी, जोरदार तालियां अर्चना जी की पहली एंट्री है।
ये हर बार हो क्या रहा है कि सिंगर्स कुछ इस जरा से पॉज के बाद आते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि अब मुझे को सुनाना पड़ेगा. हेलो हेलो. Oh,
अब दोस्तों मैं आपको जो गीत सुनाना चाह रहा था उसमें से आखिरी आ गया, फिर आपसे इजाज़त लूँगा। ये गाना वही है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, मैंने पंचम के साथ जो पहली पिक्चर की थी वो थी सागर, और सागर के गाने भी बड़े पॉपुलर हुए थे, बहुत चले थे, खूबसूरत गीत थे। उसके अलावा अर्जुन, गर्देश, बहुत सारी पिक्चरें हमने साथ में की, लेकिन मैं समझता हूँ 1942 कई तरह से बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक तो ये उसकी अपनी जो पिक्चरें बाद में रिलीज़ हो गई होंगी 1942, लेकिन उसकी पिक्चर आखिरी यही थी, और ये वो फिल्म थी कि अगर वो ज़िंदा रहता तो फिर वापस अपने उसी मुकाम पे आ जाता जहाँ पर जो थे वो डिज़र्व करता था। और ये उस वक्त म्यूज़िक बनाई गई जब एक अलग रंग चल रहा था हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी हद तक ज़िंदगी में से, जैसे म्यूज़िक में भी हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चैन, ठहराओ, वो चला गया। कुछ अजीब एक बेचैनी थी हर चीज़ में है, जल्दी, घबराहट, कुछ ऐसा लगता है कि अगर जल्दी नहीं हुआ तो सब कुछ निकल जाएगा, आगे हम पीछे रह जाएंगे। तो एक हमारी म्यूज़िक में भी वही टेंशन मुझे दिखाई देता है। आप देखिए इतनी खूबसूरत बीट होती थी वॉल्स की, लेकिन उसमें ठहराव था। वॉल्स पे हिंदी पिक्चरों में इतने सुपरहिट गाने बने हैं, राज कपूर की तो कोई पिक्चर ही नहीं होगी शायद जिसमें एक दो वॉल्स की बीट ना हो, उनकी फेवरेट बीट थी है। मगर अब नहीं होता, इसलिए कि उसमें भागा दौड़ी नहीं है, उसमें एक ठहराव, एक डिग्निटी है। इस पिक्चर का जो गाना हमेशा लोग जिक्र करते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत चला, और आज भी लोग उसे जिक्र करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा गाना अच्छा लगा तो वह कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पंचम ये अकेली नहीं पंचम है, ये बर्मन फैमिली की पूरी ट्रेडिशन और वैल्यूज़ और संस्कार जो है वो इस फिल्म में गाने में आ गए। इसमें उसके पिता का रंग भी है और उसका भी रंग भी है, एस जी बर्मन का भी है। इसमें वो ठहराव, वो गहराई है, और ठहराव गहराई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बोर करने लगे। उसके बाद भी इस ट्यून में, इस गाने में एक जादू है। और मुझे जितने मैंने बहुत काम किया और उसमें से अक्सर गाने बहुत चले आरडी के साथ, लेकिन आप मुझसे कहें कि तुमने जो लिखे थे उनमें से तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है पंचम के साथ, तो मैं यही कहूँगा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो अब जाते जाते आपको ये भी सुना दूँ, ये तो अच्छा आ गया, आप ठीक किया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल हम सा गया है, और इस पल
कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके पर्वत से ये उतरे बादल जैसे आंचल जब ये सुन रहा था गीत तो याद आया कि इस फिल्म में 6 गाने थे, 3 गाने मैंने ट्यून पे लिखे थे और 3 गाने मैंने लिख के दिए थे और पंचम ने ट्यून बनाई थी। ये गाने मैंने लिख के दिया था, तो जब उन्होंने ट्यून बनाई तो वो एक जगह जाके ख़त्म हो जाती थी, फिर थोड़ी सी म्यूज़िक होती थी और वो म्यूज़िक ले जाती थी कुछ ना कहो तक वापस ले जाती थी, तो वो सर्कल कम्प्लीट नहीं होता था। तो मैंने कहा कि सॉरी, दिल्ली गया था एक दिन के लिए तो कि ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, कि जैसे ही वो आखिर कहे कि बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो, तो कुछ ना कहो पे वापस जाए ट्यून।
तो उसने कहा कि इस हिसाब से इसमें एक लाइन कम है, तो तुम एक लाइन बढ़ा दो तो पूरा सर्कल हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल के बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, इसके आगे क्या कहें, बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या है, इसका भी सर एक हिसाब किताब होता है पोइट्री में भी। तो उस वक्त लाइनें ये थीं, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तो मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। तो वो कम्प्लीट नहीं हो रहा था, वो सर्कल कम्प्लीट नहीं होता, तो एक लाइन बढ़ानी थी, तो मैंने लाइन ऊपर बढ़ा दी, हिसाब किताब ठीक हो जाता ना उससे। और इस पल में कोई नहीं है, ये लाइन बाद में डाली बस, तो उससे वो सर्कल गिनती कंप्लीट हो गई। अब क्या कहें आपसे, चलिए एक ही बात कह सकता हूं कि हम लोग जब ऐसे कलाकारों की बात करते हैं, जब हम इन्हें याद करते हैं, इनके लिए जलसा करते हैं, आप लोग अपने घर से आए हैं, यहाँ बैठे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उसकी म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी यहाँ उसी की याद में आया हूँ, ये लोग भी यहाँ उसी श्रद्धा में हैं, हम इन कलाकारों पर कोई एहसान नहीं करते। एक समाज जब अपने कलाकार की इज्जत करता है तो अपने आप को सभ्य होने का सबूत देता है। तो मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि पंचम है, उनकी याद जैसे आज आपके दिल में है, ये हमेशा ऐसे ही जगमगाती रहे, आपकी ज़िंदगी गुनगुनाती रहे और पंचम के गीतों से खूबसूरत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग से बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और उम्मीद तो ये थी कि समय का ये पल थम जाएगा और बहुत सारी और बातें होंगी, पर ये हम यकीन रखते हैं कि ऐसी और भी बड़ी अनोखी शामें आएंगी जहाँ पर जावेद साहब का सानिध्य हमें मिलेगा, आपका सानिध्य मिलेगा, कुछ और बड़ी अनोखी यादें आप तक पहुँचेंगी। पर पंचम दाह की जब बात होती है तो पंचम दाह का एक बड़ा निराला अंदाज़ जो कि 70 की दहाई में हमारे सामने आया था, और वही अंदाज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं श्रीकांत जी, आलोक साहब, और आज की शाम की पहली एंट्री ले रही हैं बड़ी हरफन मौला गायिका मंजूश्री जी, जोरदार ताले मंजूश्री जी के लिए, और ये गाना हम आपके सामने भी रखते हैं। मिलेगा सच्चा प्यार।
जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। सितारे तेरे लिए हो हो जाने अदा, हो 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 जाने अदा, जाने वफा तुझ पे मैं फिदा, हो 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 जाने वफा तुझ पे मैं फिदा, हो ओ, ओ, चलने दे।
माना तेरे लिए और तू मेरे लिए, तेरे लिए समाना तेरे लिए और तू मेरे लिए। Thank you.
पांच मिनट का इंटरवल है, आप लोग 10 मिनट में आ जाइएगा प्लीज। हाँ